हेलो गाइज, मेरा नाम सोहेल मंसूरी है और आज हम आपको जेसीबी 3DX प्लस के रिव्यू बताएंगे। हम बताएंगे इसकी पावर, परफॉर्मेंस, इंजन, हाइड्रोलिक सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में। जेसीबी जो है ये जोसफ साइरल बेम्फोर्ड के नाम पे है। ये जेसीबी 18 के लगभग इसने उन्होंने लोडा बनाने से स्टार्ट करा था। आज ये इंडिया और दुनिया की नंबर 1 बेकोलेडर मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका हेडक्वार्टर बल्लभगढ़ में है। बात करें हम जेसीबी का तो जोसफ साइरल बेम्फोर्ड इसका फुल फॉर्म है। इंडिया की नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हमारे यहाँ एमपी में यहाँ 3 डीलर हैं, जिसमें से एक जो आज हम खड़े हैं वो है सुराना मोटर्स। बात करें जेसीबी 3DX की तो ये 75 हॉर्स पावर इंजन है इसका। इसकी परफॉर्मेंस क्या है सारी डिटेल्स हम आपको देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बात करें इसके लोडर की तो 1.1 क्यूबिक मीटर इसका लोडर साइज़ है। अंडर डेप्थ की बात करें तो 3 मीटर इसकी डेप्थ है, जो कि 1 से 2 टन के वजन कैरी करती है। और जाके स्नेल्स की बात करें, जो अपन दांते बोलते हैं, ये दांते जो हैं 8 लगे हुए हैं। बात करें पैरेललोग्राम, ऊपर देखिए पैरेललोग्राम लिफ्ट सिलेंडर की, तो लिफ्ट सिलेंडर जो हैं ये 2 और 2 4 सिलेंडर लगे हुए हैं। ऊपर वाले शोवेल हैं, नीचे वाले लिफ्ट सिलेंडर हैं, जो वी प्रो मैन्युफैक्चरिंग करती है। सामने की तरफ ग्रिल की तरफ देखेंगे तो जेसीबी का लोगो लगा हुआ है। इसके बैक साइड रेडिएटर और फिर इंजन है। फ्रंट में बात करेंगे तो आप देखिए एग्जॉस्ट पाइप, एयर क्लीनर्स, लाइट्स लगी हुई हैं, जो कि अब एलईडी आती हैं। पहले हेलोजन आती थी, अब एलईडी आती हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है। टायर की बात करें तो ये 916 का फ्रंट और रेयर टायर जो है वो 1425 का है। MRF, BKT और C8। बात करें ये जो है आर्म है, ये सिंगल बॉडी आर्म है और इसको क्या है रीएम्बेसिंग की गई है, मतलब डबल से इसमें लोहा लगाया गया है दमदारी के लिए। ये जो पिन जितने भी हैं इनकी पकड़ अच्छी मजबूत रहा है। ये सिलेंडर जो है ये लिफ्ट सिलेंडर है, ये शोवल सिलेंडर है। पाइप जो है इनको अच्छे से दिया गया है कि ये खूबसूरत लगे, मशीन अच्छी तो लगे जभी तो परफॉर्मेंस। तो मशीन अच्छी करती है पर अच्छी लगना, खूबसूरत लगना मशीन की क्वालिटी इंक्रीज कर देता है। आप देखिए ये जैसे सिंगल चेचिस है, आप देखेंगे ये जेसीबी का लोगो, चेचिस देखेंगे तो यहाँ आपको मशीन नंबर, इंजन नंबर, हाइड्रोलिक नंबर सारी जानकारी आपको मिल जाती है। टैंक की बात करें तो 120 लीटर का टैंक है, जो कि सेंसर लगे हुए हैं, ये बताता है सेंसर के हिसाब से कि कितना क्या पावर है। और आप देखेंगे इको एक्सपर्ट ये है क्योंकि इसमें ECU लगा हुआ है, इंजन के लिए अलग, हाइड्रोलिक के लिए अलग, तो मशीन के लिए अलग, जिससे क्या होता है इंजन की परफॉर्मेंस, मशीन की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। ये से इसमें एक जो देखेंगे सबसे पहले ये इधर एक हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है। ये हाइड्रोलिक पंप क्या है, ये बताता है आपको कहाँ फ्लो भेजना है, किस फ्लो भेजना है। इसमें स्वास प्लेट लगी है, ये डिफरेंशियल हाइड्रोलिक पंप है, पिस्टन पंप बोलते हैं इसे। ये बताता है कि कहाँ कितना आपको पावर भेजनी है। सामने वाटर सेपरेटर लगा है, जो आपको 50 घंटे के लगभग वो करना रहता है। इंजन की मेरी एक सेपरेट वीडियो है, आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। ये देखिए आगे तो लोडर कहते हैं इसे बेको क्यों कहते हैं, इसकी जानकारी हम आपको बता देते हैं। देखिए ये बेको इसलिए कहते हैं ये पूरा जो पोर्शन है ना 3 पीसेस में होता है, इसको बेको बोला जाता है। इसमें आप देखेंगे तो बूम, डिपर और बकेट है। बकेट जो है इसका 0.036 क्यूबिक मीटर बकेट है, और ये बूम है और ये डिपर है। डिपर पे देखिए आप 3DX का लोगो लगा हुआ है, बूम पे जेसीबी का लगा हुआ है। और यहाँ पे एक और चीज़ एक्स्ट्रा रहता है, ये स्विंग सिलेंडर रहते हैं जो कि रोटेट करते हैं, कि आपको जैसे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट लेने के लिए रोटेट करते हैं। तो हम ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।